आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना संक्रमण से फैलने वाली गंभीर बीमारी के चलते सिटी बसों में यात्री सफर करने से डर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बसों का संचालन होने पर अधिकारी कर्मचारी लोड फैक्टर बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, फिर भी विभाग को रोजाना लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बजाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका असर रोडवेज के साथ सिटी बसों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। संक्रमण के डर से यात्री सिटी बसों में सफर करने से डर रहे हैं। उसका मुख्य कारण जो है कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कि उससे बचाव के लिए लोग जो है तत्पर हैं और कोशिश उनकी ये हो रही है कि जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग में ही निकलें और कम से कम जो है यात्रा करें, इसलिए जो है यात्रियों की कमी हो रही है। हाँ, संक्रमण फैलने की वजह से भी ही कम हैं सवारी। इसके अलावा जो है कोविड-19 के चलते हुए जो ऑफिस में हैं उनमें भी जो है दो अल्टरनेट डेज में कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। ARM राशिद अली खान का कहना है कि संक्रमण के डर से यात्री सिटी बसों में कम सफर कर रहे हैं। ARM का कहना है कि संक्रमण के साथ स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद होने के कारण भी विभाग को घाटा हो रहा है। कार्यालयों में भी कम कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं, इसका भी असर सिटी बसों पर पड़ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान यात्री का नाम पता और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर में नोट किया जा रहा है। और स्कूल कॉलेज और कोचिंग भी जो है बंद चल रहे हैं। यात्रियों को बैठाने के लिए सीट टू सीट ये बैठेंगे और खड़े होकर कोई भी जो है यात्री यात्रा नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो है सैनिटाइज बसों को कराया जा रहा है तथा यात्रियों के हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं तथा यात्रियों को ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि वो जो है यात्रा जो है मास्क पहन कर ही करें। जी हाँ, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, इसको जो है मेंटेन भी किया जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है अधिक टेम्परेचर वाला जो है यात्रा न करे। सिटी बसों में संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बस स्टैंड पर पहुंचने पर सबसे पहले सिटी बस को सैनिटाइज किया जाता है, इसके बाद ही यात्रियों के हाथ सैनिटाइज कर बस में बैठने की अनुमति दी जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीट पर एक ही सवारी को बैठने को कहा गया है। किसी भी यात्री को बस में खड़ा होकर सफर करने की इजाजत नहीं है। सफर करने के दौरान सवारी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।